इतनी अच्छी आपके पास मौसम की जानकारी रहती है, मौसम किधर है, क्या है, कहाँ है, किधर जाना है, किधर, ये सब आपके पास रहता है। तो मैं जानना चाहता हूँ इस समय देश का मौसम क्या कहता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लालू जी ने कहा था कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक हैं, तो हमको पता नहीं चला उस समय में कि ये हमारा कहते हैं कि प्रेज कर रहे हैं कि शिकायत कर रहे हैं, तो चिराग ने उसका जवाब दिया था। तो इसलिए अब जब हम लोग हैं राजनीति में, आज से नहीं हैं, पिछले 1969 में फरवरी में एमएलए बने थे, तो 50 साल से साढ़े 50 साल 6 महीना से भी ज़्यादा क्या कहते हैं कि हो गया है। और ये नहीं है कि हम लोग कोई आकाश से आए या हमारे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में थे, अपने से जैसे होता है जमीन को तैयार करना, रोड बनाना, गाड़ी चलाना, चलते रहे। इमरजेंसी में 18 महीने जेल में रहे, कुल मिलाकर के 40 बार से अधिक तो जेल में हम जा चुके हैं जी। और फिर जयप्रकाश जी ने 1977 में उन्होंने कहा कि नहीं, एमएलए में आप लड़िए लोकसभा में, तो फिर लड़ गए और सबसे ज्यादा वोट से जीते भी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जी भी रहा, दो राय नहीं, सरकार में भी रहे, कहने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, 6-6 प्रधानमंत्री। आज का ये जो सवाल था चिराग, मैं चाहूंगा कि आप माइक पकड़ लें, ये सवाल जो था आज का वो खास तौर से आपका, आपके जवाब पर मैं आ रहा हूँ, आपने जो मेन चीज पूछा ना उस पर मैं आ रहा हूँ जी। तो 6-6 प्रधानमंत्री को जो है हमने देखा है, और हमारी आदत नहीं है कि हम किसी कभी क्रिटिसाइज करते हैं या कुछ करते हैं, और आजकल तो अब देखते हैं कि जो मौसम बदल गया है, जब कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सब एक साथ अब आ रही है, तब आज के युग में अब जो है जो होने का था हो गया, राम जन्मभूमि का मामला, बाबरी मस्जिद का मामला तय हो गया, 370 तय हो गया, ये मानते हैं कि जो 35 ये था तय हो गया, शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार बना लिया बना दी, इसलिए अब जो मेन मुद्दा जो है अब ये सब चीज को खत्म हो गया। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में उस दिन कहा कि देखो अब जो है न कम्युनलिज्म का मामला है, न सेकुलरिज्म का मामला है, रिजर्वेशन भी था तो पहले शेड्यूल कास्ट का था, अनुसूचित जाति जनजाति का, पिछड़ी जाति को गुस्सा होता था, फिर मंडल कमीशन लागू हो गया और फिर ऊंची जाति को गुस्सा होता था, संजोग से क्या कहते हैं कि फिर हम लोगों ने प्रयास किया, ऊंची जाति को भी 10% मिल गया, तो वो भी मामला खत्म हो गया। और सबसे अच्छी बात हुई है इस देश में कि बीपी सिंह ऊंची जाति के थे और उन्होंने पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन दिया जी, और नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ी जाति के हैं, घाची कम्युनिटी के, और उन्होंने ऊंची जाति के लोगों को रिजर्वेशन दिया, तो सामाजिक न्याय यही होता है, और उसमें मुस्लिम भी हैं, सब लोग हैं, कोई ये नहीं है कि हिंदू ही हैं। मैं दरअसल जानना ये चाह रहा था कि वैसे मैं आऊंगा शॉर्ट आंसर्स में आऊंगा, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा था कि प्याज के बारे में अभी कुछ देर पहले बोल के गए कि 200 रुपए किलो प्याज, 25 रुपए का एक प्याज मिल रहा है, विदेश से प्याज आ गया 25 रुपए का, सेब 5 रुपए 10 रुपए का एक प्याज 25। देखिए न्यूज 18 के यहाँ सब लोग, काफी लोग होंगे है ना जी, जी बहुत सारे लोग हैं, सब तो न्यूज 18 हमसे शुरू से ही पूछा जा रहा था, और मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ जी, ये सब जानते हैं, वही कोई ये भी नहीं कह सकता है कि रामविलास पासवान 50 साल में एक नया एक पैसा का इनके ऊपर में कोई चार्ज है या कुछ है, कुछ नहीं है, और हमें सही बात बोलता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आज बोलेंगे तो कल हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, आज से हमसे 3 महीना पहले से पूछा जा रहा था, मैंने एक ही बात कहा, हमने कहा देखो मौसम जो है ऐसे भी जो महीना होता है अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर ये 3 महीना का जो होता है आलू प्याज और टमाटर का भाव बढ़ता है, इस बार क्या हुआ कि मौसम लेट से आया सब जगह, और मौसम आया एक महीना लेट से चला, तो जो नवंबर में आने वाला था वो दिसंबर में एक महीना लेट हुआ, और फिर दूसरी बात क्या हुई कि जहां जहां महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, तो जहां जहां मानते हैं कि प्याज की ज्यादा खेती होती है
संयोग से क्या हो गया कि जब फसल तैयार हुआ तो बारिश आ गई, और बारिश आ गई तो बारिश इतनी बारिश आई कि बाढ़ आ गया, तो एक जो है उसमें क्या कहते हैं कि फसल चला गया, और दूसरा यातायात में क्या कहते हैं कि जो है ट्रांसपोर्टेशन में हुआ, एक मिनट। तो अब उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं कि 26% जो प्रोडक्शन होना था वो कम हो गया, रकबा कम हो गया। हम लोगों को जब हम लोगों ने देखा तो हमने क्या किया कि 57,000 टन प्याज जो है हमने बफर स्टॉक में रखा, और हमने हर राज्य से कहा कि 16 रुपए किलो प्याज आप ले लो, जिसको जितना लेना है। दिल्ली सरकार को भी कहा, दिल्ली सरकार ने कहा हमको 5 ट्रक प्रतिदिन दीजिए, हमने कहा ले लो। हर गवर्नमेंट को, त्रिपुरा की सरकार ने कहा, जो जो कहा, लेकिन क्या हुआ कि राज्य सरकार ने नहीं लिया, कम लिया। 57,000 में 26,000 केवल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और बाकी क्या कहते हैं सब प्याज क्या कहते हैं खराब हो गया। अब उसके बाद तो हमसे प्रेस वालों ने जब पूछा तो हमने कहा देखो ये सिचुएशन है, मैं नहीं कह सकता हूं है ना कि हम इतना ही कोशिश करेंगे कि हमारे सामने में क्या है, जब देश में प्याज नहीं है विदेश से मंगाएंगे। अब विदेश में 3-4 स्टेट हैं, कम कंट्री हैं, अफगानिस्तान है, मिस्र है, इजिप्ट, ये है क्या कहते हैं 3-4 है, वहाँ भी कम है। एक बार यदि हम कह देंगे कि 5 लाख टन प्याज मंगा रहे हैं तो उनका दाम जो 2 रुपये है वहाँ वो 6 रुपये हम बढ़ा लेगा। चिराग जी, सवाल ये है।